वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट आई एम देवेंद्र चौधरी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिब्रेशन डिस्पर्सल एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट पैथोजन्स दिस इज फॉर द कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी सो पहले देखते हैं लिब्रेशन के बारे में डेफिनेशन ऑफ लिब्रेशन डिटैचमेंट ऑफ फंगल स्पोर्स फ्रॉम थैलस ये कहलाता है लिबरेशन जैसे कि ये माइसीलियम है इसमें कोनीडियोफोर है कोनीडियोफोर के ऊपर में कोनीडिया प्रेजेंट है तो कॉनिडिया का इस कोनीडियोफोर से अलग होने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है लिबरेशन तो ये केवल फंगस में पाया जाता है और वायरस और बैक्टीरिया में ये एबसेंट होता है टू टाइप का होता है एक्टिव और पैसिव। जब फंगस स्पोर अपना ही एनर्जी लगाकर रिलीज होता है तो उसे कहते हैं एक्टिव लिबरेशन और जब ये एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी से रिलीज होता है तो उसे कहते हैं पैसिव लिबरेशन सो पहले देखते हैं एक्टिव लिबरेशन के बारे में जैसे कि डू टू बस्टिंग ऑफ टर्जिट सेल स्प ऑफ एस्कोमाइकोटा आर लिबरेटेड बाई दिस मैकेनिज्म एज एस आई आर टर्जिट सेल्स विच बस्ट इन रेगुलर मैनर वायलेंटली लिबरेटेड द स्पोर्ट्स ये मैकेनिज्म एस्कोमाइकोटना फंगस में प्रजेंट होता है जैसे कि यह है पेरीथीसिया और पेरीथीसिया के अंदर में एस SI है और एस के अंदर में एस्कोस्पोर है तो ये जो एस होते हैं वो टर्जिट सेल होते हैं ये जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसमें टर्गर प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने के कारण इसमें जो एस्कोस्पोर प्रेजेंट है वो तेज़ी से बाहर आते हैं लिबरेशन ड्यू टू राउंड ऑफ ऑफ टर्जिट सेल वायलेंट डिस्चार्ज ऑफ स्पोर्स इज ड्यू टू चेंज इन सेप ऑफ टर्जिट सेल स्लेरोस्पोरा एंड एसिया ऑफ रश्ट फंजाई यह स्क्लेरोस्पोरा और रश्ट फंगस में प्रजेंट होता है इसमें क्या होता है ये जो स्ट्रक्चर है जैसे कि स्पोरेन्जियोफोर ये भी टर्जिट सेल होते हैं जब ये मॉइशर एबजॉर्ब कर लेते हैं तो ये अपना सेप चेंज करते हैं जैसे कि इसमें ट्विस्टिंग हो जाती है जैसे यहाँ पर नॉर्मल स्टेज में ऐसे है और ये वाटर एब्जॉर्ब करके ऐसे मुड़ जाते हैं तो जिसके कारण से इसमें जो स्पोरेंजिया लगा हुआ है वो रिलीज होता है बेलिस्टोस्पोर डिस्चार्ज दिस टाइप ऑफ डिस्चार्ज अकर्स इन बेसिडियोस्पोर्स ऑफ रस्ट एंड स्मर्ट फंजाई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द स्पोर विद द स्टेरिक अ गैस फील्ड बबल अपीयर एंड ग्रो इन फ्यू सेकेंड टू अ डेफिनेट साइज देन द स्पोर इज शॉर्ट अवे कैरिंग द बबल सो यह मेकेनिज्म रश्ट और स्मट में प्रजेंट होता है ये जैसे कि स्टेरिगमेटा है और यह बेसिडियम है और ये बेसिडियोस्पोर है, है तो इस पॉइंट में एक बबल बनता है और यह बबल अपने साइज में बढ़ता है और फिर ये बबल इस बेसिडियम को रिलीज करता है फिर है लिबरेशन ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट दिस मूवमेंट इज कॉज्ड बाई सडन फॉल इन ह्यूमिडिटी विच रिजल्ट इन ड्राइंग अप स्पोरोफोर बेरिंग द स्पोर्स ये प्रेजेंट होता है स्पोरिंजिया फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस एंड पेरोनोस्पोरा ये वाला जो डायग्राम है एफ में वो है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के कारण यह जस्ट अपोजिट होता है इसमें क्या होता है जब मॉइस्चर कंटेंट कम होता है जिसके कारण से ये अपना सेप चेंज करता है और जिसके कारण से इसमें लगे हुए स्पोरेंजिया रिलीज होते हैं फिर देखते हैं पैसिव लिब्रेशन एक्सटर्नल एनर्जी जैसे कि एयर करेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग अप स्पोर मास इंसेक्ट और वर्कर्स इनकी एनर्जी से जब स्पोर्स रिलीज होते हैं तो उसे कहते हैं लिबरेशन जैसे मशरूम्स ये मशरूम के नीचे में बेसिडियोस्पोर बनते हैं तो ये बेसिडियोस्पोर जब तेज हवा आता है उसके साथ ये उड़ के चले जाते हैं या फिर रेनड्रॉप के कारण जैसे ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर में बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट हैं तो जब इसमें रेन ड्रॉप गिरता है तो ये प्रेशर लगाता है इसमें और फिर स्पोर्ट्स बाहर आते हैं अब देखते हैं हम पैथोजेंस के डिस्पर्सल के बारे में ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स और इन्फेक्शियस बॉडीज फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट जैसे एक प्लांट में इस्पोर्ट्स प्रेजेंट है अब ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जब मूव करते हैं तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ प्लांट डिजीज फ्रॉम फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ साइकिल एंड इवोल्यूशन ऑफ पैथोजन सो ये भी टू टाइप के होते हैं ऑटोनोमस या डायरेक्ट या फिर एक्टिव डिस्पर्सल और दूसरा है इनडायरेक्ट और पेसिव डिस्पर्सल जब जो पैथोजन अपनी खुद की एनर्जी लगाकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसे एक्टिव डिस्पर्सल कहते हैं और जब एक्सटर्नल एनर्जी से ये मूव करते हैं तो उसे पैसिव डिस्पर्सल कहते हैं पहले देखते हैं डायरेक्ट और एक्टिव डिस्पर्सल के बारे में इन दिस मेथड द डिस्पर्सल प्लांट पैथोजेंस टेक प्लेस थ्रू सॉइल सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल ड्यूरिंग नॉर्मल एग्रोनॉमिक ऑपरेशन तो जब पैथोजन सॉइल के द्वारा या सीड्स के द्वारा या प्लांटिंग मटेरियल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो उसे ऑटोनोमस या एक्टिव डिस्पर्सल कहते हैं पहले देखते हैं सॉइल एज मीन ऑफ ऑटोनोमस डिस्पर्सल तो जैसे ये सॉइल है यहां पर जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है तो तीन कंडीशन बन सकती है पहला कि ये अपनी खुद की एनर्जी लगाकर एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा जैसे कि निमेटोट के केस में या फिर पिथियम या फाइटोक्थोरा का जूस पोर्स दूसरा केस जैसे कोई फंगस है वो खुद ही ग्रो करेगा जैसे कि आर्मी लेरिया मेली एक फंगस है जो कि एक से दो मीटर तक ग्रो कर सकता है और तीसरा कंडीशन यहाँ पर का जो सॉइल है और उसमें जो पैथोजन प्रेजेंट है ये दोनों ही एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस के दौरान एक फील्ड से दूसरी फील्ड में या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं सो so, ये टू टाइप के होते हैं डिस्पर्सल इन सॉइल और डिस्पर्सल बाई सॉइल जब पैथोजन खुद मूव करता है या फिर ग्रो करता है तो ये कैटेगरी आती है डिस्पर्सल इन सॉइल और जब ये सॉइल और पैथोजन दोनों मूव करते हैं तो उसे कहते हैं डिस्पर्सल बाई सॉइल तो यहाँ पे एक डिफरेंस है डिस्पर्सल इन और डिस्पर्सल बाई पहले देखते हैं डिस्पर्सल इन सॉइल जैसे कि ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन जैसे कि आर्मिलेरिया मेली निमेटोड्स पिथियम और फाइटोपथोरा के जूसपोर्स अब देखते हैं डिस्पर्सल बाई द सॉइल सॉइल में बहुत सारे पैथोजन प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि निमेटोड फंजाई उनके सर्वाइवल स्ट्रक्चर जैसे कि स्क्लेरोसियम, स्पोर्स, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी प्रजेंट हो सकता है तो ये मिट्टी के साथ ही जैसे कि ट्रैक्टर के व्हील्स के साथ इंटरकल्चरल ऑपरेशन के साथ ये सॉइल के साथ ही मूव करते हैं तो उसे कहते हैं डिस्पर्सल बाय द सॉइल ऑटोनोमस में और एक कैटेगरी है डिस्पर्सल बाय सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल पैथोजन सीड में तीन तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं पहला है बाई कंटामिनेशन या फिर एक्सटर्नल सीड बॉन्ड या इंटरनल सीड बॉन्ड पहले देखते हैं कंटामिनेशन ऑफ द सीड कंटामिनेशन मतलब क्या होता है जैसे ये सीड है और सीड के साथ ही साथ फंगस का कोई दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जैसे कि स्क्लेरोसियम ऑफ द अर्गट तो ऐसे में क्या होगा अगर फार्मर इस सीड को यूज करेगा तो उसके साथ ही साथ स्क्लेरोसियम भी चले जाता है और फिर इन्फेक्शन करता है दूसरा कैटेगरी है एक्सटर्नली सीड बॉन्ड जैसे ये सीड है तो सीड के सीड कोट में या बाहर में जो पैथोजन है वो चिपका होता है फॉर एग्जाम्पल्स बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन स्पोर्स ऑफ टिलेसिया कैरिस एंड युस्टीलागो एवेनी इसी में थर्ड कैटेगरी है इंटरनली सीड बॉन्ड जब कोई पैथोजन सीड के अंदर प्रेजेंट होता है उसके कोटा में प्रेजेंट होगा या फिर एम्ब्रियो में तो उसे कहते हैं इंटरनली सीड बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल जेंथोमोनास ओराइजी, सोडोमोनास सिरिंजी, या फिर जेंथोमोनास कम्पेस्टिस पैथोवर कम्पेस्टिस तो ये जो पैथोजन है वो सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं अब देखते हैं इनडायरेक्ट और पैसिव डिस्पर्सल ये टू टाइप के होते हैं बाई एनिमेट एजेंट्स एंड बाई इन एनिमेट एजेंट्स पहले देखते हैं एनिमेट एजेंट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब पैथोजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफिट होते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डिस्पर्सल बाई एनिमेट एजेंट जैसे इंसेक्ट माइट फंजाई निमेटोड और फेनेरोगिक पैरासाइट्स के द्वारा जो वायरस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अनजाने में पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं या फिर फार्म्स एंड वाइल्ड एनिमल्स या फिर बर्ड्स जब इनके द्वारा ट्रांसमिशन होता है तो वो डिस्पर्सल कहलाता है अब देखते हैं इन एनिमेट एजेंट्स जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसे कि विंड्स और वाटर इनके द्वारा जब पैथोजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है तो उसे कहते हैं डिस्पर्सल बाय एजेंट्स। तो इसके द्वारा बहुत सारे फंगस बैक्टीरिया ये दोनों ट्रांसमिट होते हैं अब देखते हैं सर्वाइवल ऑफ पैथोजेंस जो भी पैथोजेंस हैं वो होस्ट के एबसेंस में कैसे जीवित रहते हैं उसे कहते हैं सर्वाइवल तो ये सात अलग अलग मेथड से होता है जैसे कि सर्वाइवल बाय मीन ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर सर्वाइवल एज सेप्रोफाइट्स सर्वाइवल इन वाइटल एसोसिएशन विथ लिविंग प्लांट सर्वाइवल इन एसोसिएशन विथ निमेटोड एंड फंजाई सर्वाइवल इन एसोसिएशन विथ इंसेक्ट सर्वाइवल ऑन एग्रीकल्चरल मटेरियल और लास्ट है सर्वाइवल ऑन सरफेस वाटर एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं सो so, पहले देखते हैं सरवाइवल बाय मीन ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर जो फंगस होते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं सर्वाइवल के लिए ही जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू फंगस में ऊस स्पोर्स बनता है स्क्लेरोनिया में स्क्लेरोसिया बनता है और फ्यूजेरियम में क्लेमाइडोस्पोर बनता है तो ये इतने हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं कि तीन से चार साल मिनिमम तो सरवाइव कर ही लेते हैं और मैक्सिमम थर्टी ईयर तक हो सकता है सर्वाइवल एज सेप्रोफाइट्स तो कुछ पैथोजेंस ऐसे भी होते हैं जो होस्ट प्लांट के कैप्सेंट में सॉइल में सर्वाइव करते हैं और वहाँ पर जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे कि राइजोक्टोनिया सोलेनी पिथियम अरवीनिया केरोटोवरा रॉजस्टोनियर सोलनेसियरम और एग्रोबैक्टीरियम सर्वाइवल इन वाइटल एसोसिएशन विद लिविंग प्लांट्स जो पैथोजन होते हैं वो लिविंग प्लांट्स में ही जीवित रहते हैं जैसे कि सीड्स या प्लांटिंग मटेरियल तो ये लिविंग पार्ट है सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल उसमें जीवित रहते हैं या तो कोलेटरल होस्ट या अल्टरनेट होस्ट अल्टरनेट होस्ट ऐसे होस्ट होते हैं जो कि पैथोजन के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं कोलेट्रल होस्ट ऐसे होस्ट होते हैं जो कि होस्ट की फैमिली को ही बिलोंग करते हैं और होस्ट के एब्सेंट में पैथोजन यहाँ सरवाइव करते रहते हैं पहले देखते हैं सर्वाइवल इन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। तो बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो ये बीज में सर्वाइव कर सकता है रिंग रॉट ऑफ पोडेटो यह भी जो प्लांटिंग मटेरियल ट्यूबर है उसमें सरवाइव करता है इन सब का कम से कम एक एक एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला ये कोलेट्रल होस्ट इकाइनोक्लोवा में सरवाइव कर सकता है और पेरिनोस्क्रोस्पोरा सॉर्गी ये पेनिकम वीड में सरवाइव कर सकता है जन्थोमोनासोराइजी पैथोवर ओराइजी ये साइप्रस में सरवाइव कर सकता है और ऐसे ही बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो दूसरे वीड्स में सर्वाइव कर सकते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टिटिसी ये अल्टरनेट होस्ट जो कि बर्बेरिस है उसमें सर्वाइव करता है पक्सिनिया रिकोन्डिटा ये थेलेलैक्ट्रम में सर्वाइव करता है तो ये इनके अल्टरनेट होस्ट हैं और ये अल्टरनेट होस्ट इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं इसी प्रकार से बहुत सारे रस्ट हैं जो कि अपने अल्टरनेट होस्ट में सर्वाइव करते हैं सर्वाइवल इन एसोसिएशन विथ निमेटोड एंड फंजाई कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि निमेटोड में और फंजाई में सर्वाइव करते हैं जैसे कि टोबेको रिंग स्पॉट वायरस एक निमेटोड है जिफीनिमा इसमें सर्वाइव करता है और बार्ली येलो मोजेक वायरस ये भी एक फंगस है पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस इसमें सर्वाइव करता है जैसे होस्ट है टोबेको और उसमें टोबेको रिंग स्पॉट वायरस इन्फेक्ट किया है अब इसमें निमेटोड आएगा यहाँ इन्फेस्टेशन करेगा ये जो वायरस है निमेटोड में चले जाएगा अब ये वायरस निमेटोड में प्रेजेंट है फिर कुछ मंथ बाद टोबेको का जो फसल है वो कंप्लीट हो चुका है अब ये रिमूव हो गया वायरस के लिए तो होस्ट खत्म हो गया लेकिन ये जो वायरस है वो निमेटोड में प्रेजेंट है और सरवाइव कर रहा है फिर अगले सीजन में जब टोबेको फिर से लगाया जाएगा तो ये निमेटोड के द्वारा फिर से न्यू प्लांट्स में जाएंगे और यहाँ पर इन्फेक्शन करेंगे और ये वायरस न्यू प्लांट्स में न्यू सीज़न में चले जाता है कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वो इस प्रकार से सर्वाइव करते हैं वैसे ही पॉलीमिक्जा के केस में भी है सर्वाइवल इन एसोसिएशन विथ इंसेक्ट कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि वायरस को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं जैसे लीफ हॉपर, बीट कर्ली टॉप वायरस प्लांट हॉपर, मैज स्ट्रिक वायरस ग्रीन लीफ हॉपर, राइस डॉर्फ वायरस इसी प्रकार से ये लिस्ट बहुत ही लंबी है लेकिन कम से कम तीन चार एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए सर्वाइवल ऑन एग्रीकल्चरल मटेरियल जैसे कि जो प्रूनिंग नाइफ़ होता है या फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशन के टूल्स होते हैं उसमें भी ये जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो सर्वाइव करते हैं जैसे कि क्लेवी वैक्टर मिची सब स्पीसीज मिची ये सात से आठ महीने तक एग्रीकल्चरल टूल्स में सर्वाइव कर सकता है सर्वाइवल ऑन सरफेस वाटर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सरफेस वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं

follow our facebook page ketiki jankari thanks for watching the video till end we will meet again in next video